एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे गंधवानी से कांग्रेस की विधायक उमंग सिंघार पर उनकी पत्नी ने दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, घरेलू हिंसा और मारपीट का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज करवाया। जबलपुर में शून्य पर कायम होने के बाद धार के नौगांव थाने पर रात में दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। उमंग सिंघार कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है और कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया उनसे उमंग सिंघार ने पूर्व में शादी का झांसा देकर उनकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म किया। हालांकि आपको बता दें कि 4 महीने पहले ही उमंग सिंघार की आरोप लगाने वाली महिला के साथ शादी हो चुकी है। ऐसे में फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने कायमी की है। एफआईआर दर्ज करवाने वाली महिला ने बताया, मैं अपने आप को उमंग सिंघार की पत्नी बताया और मानसिक रूप से ताड़ित करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने आरोप दुष्कर्म सहित अप्राकृतिक कृत्य की धाराओं 376, 377, 498 ए के सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। महिला जबलपुर की रहने वाली है। प्रकरण में महिला ने मारपीट और अप्राकृतिक सेक्स करने का आरोप लगाया। धार SP आदित्य प्रताप सिंह ने बताया, महिला की शिकायत पर नौगांव थाने में विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ दुष्कर्म सहित मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज किया गया है। कल 20 नवंबर को थाना नौगांव में विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ घरेलू हिंसा 498A, 377, 376, 321, 323, 294, 506 IPC की धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है और इस पीड़िता के बताए अनुसार पुलिस ने मुकदमा कायम करके आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है।